Sagittarius, welcome to Guru Mahindi Tarot. Aur ye reading hai aapki shaadi kisse hogi ke bare mein. I mean, is reading mein main ye dekhungi ki aapka person kaisa ho sakta hai jisse aap shaadi karenge. Wo kis zodiac ke ho sakte hai ya kya unka profession ho sakta hai ya kuch aur. Aur you know, aapki shaadi kab tak ho sakti hai, to chaliye start karte hain aur dekhte hain kya messages hain aapke liye. Messages for Sagittarius. Justice. Queen of Cups. Queen of Swords. Ten of Pentacles. Of Swords. तो हमारे पास Queen of Cups का कार्ड है. इस Queen of Cups के कार्ड के साथ आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करेंगे जिसे ग्लैमर पसंद है, जिसे फैशन पसंद है, जो उन चीजों को पसंद करता है जो आंखों को देखने में अच्छी लगे. और यू नो, आप इनके लिए इनका एडिक्शन होंगे. आई मीन, एक तरीके से ये पर्सन पूरी तरह आप पे फोकस्ड होगा. ये पर्सन बहुत रोमांटिक है, ये पर्सन बहुत आउटगोइंग है. तो यू नो, काफ़ी शौकीन किस्म का इंसान है ये. और अक्सर आप इनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे. आप दोनों कई जगह घूम सकते हैं साथ में. और यू नो, लाइफ इनके साथ एक एडवेंचर होगी. जस्टिस के कार्ड के साथ इस पर्सन के अंदर जस्टिस का भी बहुत सेंस है. आई मीन, इस पर्सन को पता है कि बैलेंस कैसे बना के रखना है रिलेशनशिप में. तो मैच्योरिटी भी है. ओके, ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे पर्सन है जो इमेच्योर है, जो फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, जिसे पता है कि लाइफ को कैसे एंजॉय करना है. पर जब बात आती है किसी स्मार्ट डिसीजन की, या किसी चीज को डीपली एनालाइज करने की, या कोई इशू आप दोनों के बीच हो उसको सॉल्व करने की बात आती है, तो उसमें भी ये पर्सन काफी अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा. यू नो, बहुत सारे सॉर्ट्स है. और यहाँ पे जस्टिस का बैलेंस भी है. कोई एयर साइन हो सकता है, स्पेशली लिब्रा, जिससे आपकी शादी होगी. क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन थोड़ा सा स्टबर्न हो सकता है. हो सकता है कि काफी जिद्दी हो. जैसे इन्हें अगर कोई बात आपसे मनवानी है तो बस ये यू नो, बस कुछ भी करेंगे वो बात आपसे एक्सेप्ट कराने के लिए, या आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको अग्री कराने के लिए. ये एक प्रॉब्लम हो सकता है. पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का एक अच्छा साइड ये भी है कि बहुत रिस्पॉन्सिबल, बहुत स्किलफुल और बहुत लॉयल पर्सन ये होगा. इनफैक्ट ये पर्सन जो कहता है उस पर अमल करना जानता है. और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के साथ कभी कभी आप इरिटेट हो सकते हैं, बट देन कभी कभी कौन इरिटेट नहीं होता. टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उन्हें काफी लोग पसंद करते हैं. ऐसा लग रहा है कि इनका सोशल सर्कल काफी बड़ा होने वाला है. और इस पर्सन की हो सकता है एक बड़ी फैमिली भी हो. बट यू नो, इन्हें पता है कि कैसे हर चीज को कोऑर्डिनेटेड रखना है. इस पर्सन को पता है कि कैसे अपने पर्सनल स्पेस को इम्पोर्टेंस देनी है. टेन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ही कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो फाइनेंशियली भी स्टेबल है और एक स्टेबिलिटी क्रिएट करने के बाद ही, एक तरीके से फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर करने के बाद ही ये शादी करने का फैसला लेंगे, जो आप दोनों के लिए ही अच्छा है. सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ एक जर्नी है ये. ओके, ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए चैलेंजेस नहीं होंगे. ये पर्सन बिल्कुल आपके ड्रीम्स से बाहर आया हुआ लगेगा आपको.
पर यहाँ कुछ चैलेंजेस जरूर होंगे जिस पे आप दोनों को वर्क करना पड़ेगा. और सिक्स ऑफ सॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि भले ही चैलेंजेस हैं पर फिर भी आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ आपको होना चाहिए. तो यहाँ पे पॉजिटिव रहिए और चैलेंजेस किस रिलेशनशिप में नहीं होते इस सिक्स ऑफ सॉर्ड्स को लेके आप लोगों को ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. स्वॉर्ड्स यहाँ पे एक और चीज़ दर्शाते हैं कि ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है और बहुत पावरफुल भी है. तो इतना आसान नहीं है कि ये चैलेंजेस के सामने हार मान जाए. ये ज़रूर आपके साथ सारे चैलेंजेस को फेस करेंगे. हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी. एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं. इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या एयरली रीडिंग देखना चाहें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं. Three of Pentacles. Princess of Wands. Nine of Wands. Ten of Wands. तो यहाँ पे Princess of Wands है. Princess of Wands के साथ कुछ नया शुरू हो रहा है. In fact, Princess of Wands के अंदर courage है, imagination है और attraction है. और यही चीज़ ये पर्सन फील करेगा. इनफैक्ट थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ जल्दी ही ये पर्सन आपके साथ सीरियस हो जाएगा. और यू नो, ये ऐसा पर्सन नहीं है जो आपसे ये कहेगा कि उन्हें अभी चाहिए कुछ सालों का वक्त ताकि वो आपको जान सके. यहाँ पे इमीडिएट अट्रैक्शन है, इमीडिएट यू नो नोइंग है एक दूसरे के बारे में. ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मिलते ही जान जाएगा कि आप कौन हैं. आपको भी ऐसा ही फील होगा और कुछ समय बिताना ही आपके लिए काफ़ी होगा एक दूसरे के साथ. इनफैक्ट 9 to 10 months में आप कोई डिसीजन ले लेंगे इसके बारे में. और डेथ के कार्ड के साथ सारे इल्यूजन्स खत्म हो जाएंगे जल्द ही. और यू नो, चीज़ें जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगी. हाँ, इन 9 to 10 months का जो जर्नी है ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप इतनी जल्दी फैसला ले या ना ले. आप हो जाएंगे परेशान कुछ समय के लिए, पर इस परेशानी का एक रिवॉर्ड है और वो रिवॉर्ड ये है कि आपको जैसा पर्सन चाहिए था वैसा ही आपको मिल रहा है. शुरू में थोड़े चैलेंजेस हो सकते हैं पर फिर भी आप दोनों साथ ही होंगे और डेथ के साथ जल्दी ही सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी और क्लियरली समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है. ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स के साथ हो सकता है शुरू में आपको ऐसा लगे कि ये रिलेशनशिप आपके संभालने से बाहर है, यानी आप इसे संभाल नहीं सकते और एक तरीके का बर्डन आपके ऊपर आ गया है. एक्सपेक्टेशंस का नहीं पर शायद गिल्ट हो किसी बात का, या यू नो डाउट हो कि आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते, पर ये टेम्प्रोरी होगा. ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है. स्पिरिचुअल जर्नी. तो इससे पहले आप कुछ भी करें, आपके लिए स्पिरिचुअल जर्नी करना जरूरी है. स्पिरिचुअल जर्नी के साथ आप अपने आप को रेडी कर सकते हैं नेक्स्ट फेज के लिए. और यू नो, ये सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स स्पिरिचुअल जर्नी का ही एक सिंबल है. जब आप स्पिरिचुअल जर्नी करते हैं तो आपके अंदर जितने ऑब्स्टेकल्स हैं वो आपके सामने आते हैं और आपका काम होता है उन ऑब्स्टेकल्स से डील करना पेशेंटली और भरोसा रखना, फेथ रखना कि आप हमेशा सही जगह पे होंगे
और यही होगा, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पे है, तो स्पिरिचुअल जर्नी हमेशा आपको एक ऐसी जगह पे ले जाती है जो आपकी सोच से भी ज़्यादा बेहतर है। हालांकि उसमें कुछ स्ट्रगल ज़रूर होते हैं, क्योंकि हमें अपने आइडियाज़ को चेंज करना पड़ता है, हमें कुछ चैलेंजेस को फेस करना होता है। ओके, तो यह है रीडिंग आपके पर्सन के बारे में, आई मीन आपकी शादी कब होगी और किससे होगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।